नहीं, पर या मुझे ये प्राइम मिनिस्टर बताइए, बनाया हमने। एक साधु को क्या जरूरत है मिनिस्ट्री बनने की या चीफ मिनिस्टर बनने की? वो तो अपने जो हैं वो अपनी साधुगिरी करें। ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहब, जो भारत अच्छा के बारे में नहीं जानते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। हाँ, करो एक करो। बहुत महान प्रतापी राजा थे जनक, हाँ उस किसी साधु से कम नहीं थे, लेकिन राजपाट का कर्तव्य वो निभाते थे। इसके साथ साथ मैं आपको 50 और ऐसे चक्रवर्ती सम्राट का उदाहरण दूंगा जो कि राजा भी थे लेकिन वो साधु धर्म का पालन करते हुए नहीं नहीं रहते नहीं थे। नहीं देखिए साधु ने, एक नहीं, मिनट, गलत गलत बात मत करिए। साधु नहीं धर्म जो गलत नहीं है है डॉक्टर साहब, वो तीन तीन वाइफ्स रख के जनक जी जो है वो साधु धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। देखिए, पालन वो होता है जो बकायदा, जिस तरीके से योगीनाथ जी मठ के हेड हैं नहीं और राहुल डॉक्टर ब्रह्मचारी साहब, और आपको ब्रह्मचारी इतिहास हैं नहीं पता है डॉक्टर साहब, आपको ब्रह्मचारी हैं। इतिहास नहीं पता है, आपको इतिहास नहीं पता है। मुगलों का अच्छा जब आक्रमण हुआ था तो जो नागा साधु थे उनका रोल क्या था, आप इसको देखिएगा। मैं जी 50 ऐसे उदाहरण दूंगा। जी चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, वो एक तरीके से साधु था, ब्राह्मण था, ठीक है, पूजा पाठ करता था, अपनी अपना पढ़ाता था, शिक्षक था। उसने क्या राज्य का निर्वहन नहीं किया, प्रधानमंत्री पद पे वो था कि नहीं था? अब आप बोलिए कि उसको क्या जरूरत थी जी प्रधानमंत्री बनने की, वो कहीं मठ में रहता। साधुओं के रोल को भारतवर्ष, अगर गोल्डन भारतवर्ष, अगर भारत की चिड़िया जब थी, मुझे वो टाइम बताइए जब भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी, तो उस वक्त कौन सा सिद्धांत चलता था? फेडरल गवर्नमेंट चलती थी उस वक्त, नहीं चलती थी। साधुओं का बोलबाला था, उनके बनाए हुए नियम पे राज्य चलते थे, वो प्रिंसिपल सेट करते थे, राजा भले ही कोई हो। आप, मैं आपको 50 एग्जाम्पल, साधुओं का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है ये लोगों को पता ही नहीं। ये समझते हैं साधु का काम है केवल मठ में रहना, जंगल में रहना, गुफा में। सबसे एक्टिव समाज अगर सिद्धांत बनाया है, कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, साधुओं ने किया है सर, ज्ञान में, विज्ञान में, तप में, तपस्या में, साइंस में। मैं साइंस की खोजों की अगर बात करूं, या तो वो साधु थे या साधु तुल्य जीवन वो जीते थे। चलिए, आपसे हमारे व्यूज जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं, और मैं मानने को, नहीं, डिफरेंट ही नहीं, लॉजिकल जो है नहीं उसको एक्सेप्ट लॉजिक, मैं किया देखिए है डॉक्टर लॉजिक साहब। लॉजिकल क्या है कि आप हजारों साल की जो हिस्ट्री हमें बता रहे हैं, ये ज़माना बदल गया है। इस ज़माने में अगर इस वक्त हमें या तो ये हो कि आदमी नहीं मिलते, या मतलब पढ़े लिखे और इंसान नहीं है पार्टी के पास। क्वेश्चन ये है कि आप एक मठ के हेड हैं और आप एक ब्रह्मचारी उसके हेड हैं, पर आपके मुताबिक उनका जो है रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक पॉलिटिशियन का। तो चलिए, हम एग्री कर जाते हैं इसमें। कौन? नहीं, नहीं आप मुझे बताइए, मैं आपकी बात मान लूंगा। कीव के राष्ट्रपति एक सिंगर थे, डांसर थे, हाँ नाच गाना करते थे, उनको राष्ट्रपति बनने की क्या जरूरत है, वो जाके कहीं डांस वांस करते थे। नहीं नहीं 50 नहीं नहीं उदाहरण नहीं नहीं होगा देखिए वेस्टर्न देखिए कंट्री में, देखिए, देर इज ए प्रोफेशन लॉट ऑफ डिफरेंस। बदल गया। देखिए प्रोफेशन बदल गया, मैं बोलता हूँ वो डांसर थे, सिंगर थे, प्रोफेशन बदल के पॉलिटिक्स में आ गए, वो बदल मैं सकते कुछ, हैं, और यहाँ पे हमारे हाँ जी भारतीय शबनम साधु जी, अपना प्रोफेशन नहीं बदल सकते हाँ हैं। जी शबनम जी, नहीं, ऐसे तो जो पुराने मौलाना है उनका एक बड़ा तबका ने देश के लिए अपनी जान लड़ाई है, जैसे मिश्रा जी साधुओं का बता रहे, तो वो इशू नहीं है। इशू यह है कि अगर आप संन्यास ले चुके हैं, अगर आप त्याग चुके हैं सब कुछ, अगर आपने ये सब कुछ आपको नहीं पता त्याग है, दिया। आप नहीं, आपको नहीं पता है, संन्यास नहीं धर्म नहीं का ये कोई ऐसे नहीं मत पता कहा है। करो मिश्रा जी। नहीं आप नहीं ये कहिए कि नहीं मैं बता रहा मेरे हूं, नहीं आप ये डॉक्टर साहब, कहिए मैं बता मेरे रहा हूं जो फैक्ट है, मैं मेरे बता भी रहा हूं। कहते नहीं, शंकराचार्य ने संन्यास ले लिया था, मेरी आपने बात त्याग सुनिए, लेने के बाद आप सत्य शंकराचार्य से बड़ा हिंदू धर्म का विद्वान नहीं है। उन्होंने संन्यास लिया, वापस अपने माँ की जो है वो करने के लिए गृहस्थ जीवन में वापस आए, अपने कर्तव्य आए ना का पालन करके वापस, वापस ओल्ड हो आए ना, गए, अभी और वापस आ रहा हूं, मठा उन्होंने नहीं समाज छोड़ी, सुधारने छोड़ी का नहीं काम गई। किया था। नहीं, आप हर चीज को दो बातों को आप एक ही चीज में ले कोई आते दो नहीं हैं, है मैम, तो कोई भी जिसने आदमी अच्छा जो चलिए, राष्ट्र के बेसिकली विकास का बेसिकली कल्याण जो कर इशू है सकता है, हमारा, वो सत्ता में आसीन हो सकता अच्छा है। अच्छा अरे अच्छा अच्छा देश मिश्रा जी न्यायदारी काम करने की क्षमता जिसके अंदर मिश्रा है जी वो सत्ता पे आसीन मिश्रा हो जी सकता है। प्लीज सुनिए मिश्रा जी, बड़ा नाजुक टॉपिक है। मिश्रा जी, हम ये यूपी के इलेक्शन जनता से कितने पसंद नहीं एक होता आपकी, एक नाजुक टॉपिक पर चले गए हैं, जो कि आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव इवन बॉदर्ड अबाउट इट, लेकिन देश की जनता लेट्स कितने फॉरगेट मेरी अबाउट जनता इट, डॉक्टर साहब लेट्स बता रहे फॉरगेट हैं। अबाउट इट। यूपी की बात करें इस वक्त।